बिग बॉस सीजन 13 में सिडनास की शुरुआत हुई और ये तभी से चर्चाओं में बने हैं और आज एक ब्रांड बन गए हैं। सिडनास ही वो सितारे नहीं हैं जो बिग बॉस के बाद ब्रांड बने हैं, बल्कि बिग बॉस से निकले ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जो एक ब्रांड की तरह चमक रहे हैं। जी हाँ, बात की जाए सिडनास की यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल की, तो जब से बिग बॉस सीजन 13 में दोनों की एंट्री हुई थी तब से लेकर अब तक इन दोनों की कामयाबी का आयाम आप खुद ही देख रहे हैं कि शहनाज कौर गिल हर रोज ट्रेंड में होती है, ज्यादातर ब्रांड वो प्रमोट करती है और उनकी एक तस्वीर, उनकी एक झलक तक सोशल मीडिया पर आग लगा देती है। सिद्धार्थ शुक्ला की कामयाबी का आयाम यही है कि वो बॉस है, वही किंग है और उनके जाने के बावजूद भी उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। उसके बाद अगर जैस्मिन की बात की जाए तो बिग बॉस सीजन 14 में इन लोगों की एंट्री हुई थी, इन दोनों की दोस्ती और फिर प्यार से इनकी शुरुआत हुई और तब से ही ये जब बिग बॉस के घर से बाहर निकले इन दोनों के रिश्ते की चर्चाएं होने लगी, इन लोगों के कामों को लेकर चर्चाएं होने लगी, लगातार कई सारे म्यूजिक वीडियो किए और फैंस की पसंदीदा जोड़ी में से एक है अब जैस्मिन की जोड़ी। इसके अलावा बिग बॉस सीजन 14 में ही रुबीना दलायक ने क्वीन का ताज अपने सर के नाम किया और साथ ही में ट्रॉफी भी जीती और तब से लेकर अब तक रुबीना दलायक की पॉपुलैरिटी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है, बल्कि शक्ति के बाद जो उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी बिग बॉस के बाद तो उस पॉपुलैरिटी को चार चांद लग गए और लगातार फैंस का प्यार उन्हें मिल रहा है। उसके बाद बिग बॉस सीजन 15 में एंट्री हुई है तेजरन की यानी तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की। तेजस्वी और करण कुंद्रा इंडिविजुअली अपने काम को लेकर काफी ज्यादा चर्चित रहे हैं और बिग बॉस में जिस तरह से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी शो की फैंस के सामने, उन दोनों का जो बॉन्ड नजर आया उसके बाद भी इन दोनों को काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। तेजस्वी प्रकाश नागिन 6 में नजर आ रही है और वहां से फैंस की काफी वाहवाही बटोर रही है तो करण कुंद्रा भी जेलर बन के लॉकअप में लोगों के बीच में तबाही मचा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार जिसने बिग बॉस में एंट्री मारी है उनमें से बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जो आज एक ब्रांड की तरह हर जगह चमक रहे हैं। वेल, इस पर आप लोगों की क्या राय है, क्या विचार है, साझा कीजिएगा हमारे साथ और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।